bumbum balança. Então joga essa potra que toma, toma, bumbum toma, bumbum toma, vai, vai, toma, toma, bumbum toma, bumbum. Manda pra ela, Zé. Se o bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma, bumbum toma, bumbum toma, toma, toma. Tem que jogar essa parada aí. Hi everyone, welcome back to my channel Mitty's World. I'm Mishti here and I hope you guys all are doing great. So in this video I'm going to share with you some difference. क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नो ब्रश मेकअप चैलेंज. कुछ ना कुछ अभी चैलेंज चल रही है, सो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ चैलेंज आपके साथ शेयर करूँ. सो बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है. वैसे तो हम फाउंडेशन हाथों से अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कुछ हाथों से ही अप्लाई कर लेते हैं, बट मैं हाथों से आई शेडो भी अप्लाई करने वाली हूँ. आई डोंट नो कि मैं कैसे करूँगी, बट चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं. सो गाइस, आज जो मैं चैलेंज करने वाली हूँ, सो मुझे नहीं पता किसी ने इस चैलेंज को की है या नहीं, बट मेक श्योर अगर की है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे भी उनकी वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. वीडियो के एंड तक पूरी देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाली है. क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं हाथों से उतनी अच्छी मेकअप करने वाली हूँ. तो या चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैंने वीडियो को स्टार्ट कर ली है एंड सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्राइमर. ये ब्लू हेवन की प्राइमर है एंड स्किन केयर मैंने पहले ही कर ली थी. सो यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. प्राइमर हाथों की हेल्प से यूज करना, उसे ब्लेंड करना बहुत ज्यादा इजी होती है. सो मुझे तो प्राइमर ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा मजे हो रही है अभी, बाद में नहीं पता क्या होने वाली है. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, क्रीमी है, सो लाइट वेट भी है. सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी की माय फेवरेट फाउंडेशन इन शेड 220. सो यहाँ इसको ही मैं यूज कर रही हूँ. सो सब कुछ मैं हाथों की हेल्प से ब्लेंड करूंगी धीरे धीरे. तो ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है. तो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फिटमी की कॉन्सीलर इन द शेड 10 लेजर लाइट. सो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इसमें एप्लीकेटर है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकती. इससे मैं लगा भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं हाथों से लगा रही हूँ. सो या मैंने से हाथों से सीखी है एंड ऐसे करके मैं लगाऊंगी. As you can see guys, ये जो कॉन्सीलर है, फाउंडेशन है, दोनों ही बहुत अच्छी है, इजीली ब्लेंड होती है, कवरेज भी अच्छी है. फिर मेरे पास एक किस ब्यूटी की कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसमें स्पॉन्ज एप्लीकेटर है as you can see, बट इसको मैं यूज नहीं कर सकती हूँ. इसको मैं यूज नहीं कर सकती हूँ. मुझे हाथों की हेल्प से यूज करना है इसको. माय गॉड, मुझे नहीं पता कैसे होगा हाथों की हेल्प से यूज, क्योंकि पाउडर मैंने कभी भी ऐसे करके यूज नहीं किया. बट मैं इसको सेट करने के लिए थोड़ी देर रख देती हूँ ऐसे करके, शायद उसके बाद इजीली मैं रिमूव कर पाऊँ. मुझे इससे ज़्यादा आइडिया नहीं आती है गाइस, मैं ऐसे करके कर रही हूँ पूरी फेस पे, लाइक कैसा लगेगा ऐसे यूज़ करने से. नाक पे भी यूज़ कर रही हूँ. पाउडर को मैं हाथों की हेल्प से भी रिमूव कर रही हूँ. अभी एक मिनट हो गई है पाउडर को मैंने अप्लाई किया. मुझे पता नहीं ये फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ या फिर पाउडर. गाइस, पाउडर ब्लेंड हो गई है अच्छे से. शेप में ले रही हूँ एंड इसे ही मैं अपने फेस को कंट्रोलिंग करूंगी. सो ऐसे मैं सी ऐसे करके लेके कंट्रोलिंग कर रही हूँ. ये नहीं पता नोज में कैसे होगी. मुझे नहीं पता होगा कि या नहीं, बट ब्लेंड तो करना होगा भाई, टाइम लेके. तो देखो कैसे करके ब्लेंड कर लेंगे. मैं हो रहा है या फिर नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी करके ब्लेंड हो रही है. ओह माय गॉड, ये तो सच में ब्लेंड हो रही है. फाइनली गाइस, मैंने ब्लेंड कर ली है. माय गॉड, एज यू कैन सी कितनी पिगमेंटेड है. वाओ, इट्स ग्रेट. बट ये क्या, अभी मैं यूज़ करूँगी ब्लश. सो ब्लश के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. सो गाइस, अभी के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. ओह माय गॉड, कितनी ब्लश लग गई है. ठीक है, उतनी ब्लश भी नहीं चाहिए हमें. ओह माय गॉड, यहाँ पे ज़्यादा ब्लश लग गई है मेरा. इसको अभी रिमूव करना है. तो गाइस, मेरा बेस मेकअप कंप्लीट है, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे सेटिंग स्प्रे. हाथों की हेल्प से मैं इसको सोप नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ इसको 1 मिनट तक, ताकि ये स्प्रे पूरा सूख जाए. तो इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे आईब्रो पेंसिल. सो
सो आईब्रो पेंसिल को मैं यूज कर सकती हूँ बट मैं कोई भी ब्रश यूज नहीं कर सकती हूँ तो यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ. कैमरे में देख के यहाँ पे लग गई है. तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ एज अ ट्रांजेक्शन शेड. ये वाला शेड ली है मैंने तो इनर कॉर्नर में डैप करते हुए मैं अपने क्रीज लाइन पे ओ माई गॉड क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ. सो ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो ड्रेस कलर है वो है ब्लू तो ये वाला ब्लू शेड में लूंगी. एंड इसको लेके कुछ तो इसको मैं हाफ आउटर वी पे यूज कर रही हूँ. यू कैन सी एरिया की आई लिप एरिया वहां पे मैं इसको यूज कर रही हूँ. सो मुझे नहीं पता था लाइट इतनी इजीली होने वाली. एंड इसी कलर को लेके मैं अपने इनर कॉर्नर पे हाईलाइट कर रही हूँ. सो देख सकते हो ट्रांजिशन शेड दोबारा ले रही हूँ. यहाँ से स्टार्ट होगी या थोड़ी से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि कोई भी ऐसे हर्श लाइन ना चलेगी. ग्लैम 21 की ब्लू काजल तो इसको मैं आंखों के नीचे अप्लाई कर रही हूँ. लाइक कुछ भूल रही हूँ सो लाइनर तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लाइनर में होती है एप्लीकेटर जो मैं यूज नहीं कर सकती हूँ. एंड हाथों से आईलाइनर मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ. ये सही बात है इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको एक काजल इसमें एप्लीकेटर नहीं होता है थैंक गॉड. सो इसको मैं आंखों की सामने सामने थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी देखिए आईने का. अभी मैं करूँगी मस्कारा अप्लाई बट मस्कारा में भी एप्लीकेटर होता है गाइस तो मस्कारा भी मैं अप्लाई नहीं कर सकती. यू कैन सी गाइस मैंने फॉल से अप्लाई की है क्योंकि अप्लाई कर नहीं सकती थी क्योंकि उसमें एप्लीकेटर होता है ऑब्वियसली. सो इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक. सो लास्ट में जो अप्लाई करूंगी वो है लिपस्टिक ऑब्वियसली. सो लिपस्टिक में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये है M&K सुपर मैट लिप लाइनर. सो इसी से मैं लिपस्टिक भी अप्लाई करूंगी. गाइस ये वाला जो चैलेंज वीडियो थी वो आपको कैसी लगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ. एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील कर सकूं. एंड सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें ताकि मेरी आने वाले कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप देख सकूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय टेक केयर.